हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको फूड एंड ड्रिंक एलर्जी, जो हम खाना खाते हैं या कुछ पीते हैं उसकी वजह से जो एलर्जिक रिएक्शन हमारी बॉडी में होता है उसके बारे में बताऊंगा। कुछ फूड बताऊंगा और उनकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस बताऊंगा। अगर आपको एलर्जी उस तरह किसी भी फूड से है, कोई खाने से है, तो उसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो इफ़ेक्टिव रहेगी उसके बारे में बताऊँगा। आप ये मेरा वीडियो पूरा देखें और पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो मैं डॉक्टर अशफाक, मैं आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। दोस्तों, हम में से कुछ लोगों को कुछ फूड आइटम से जो है एलर्जिक रिएक्शन होता है, हमारी बॉडी में जो है इंटॉलरेंस उस फूड आइटम के लिए, और इसी इंटॉलरेंस को जो है फूड एलर्जी या एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। और एलर्जी अगर किसी को किसी फूड आइटम से है तो उसमें तरह तरह के जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे नौसिया, वॉमिटिंग, पेट में मरोड़ होना, पेट में दर्द होना, उसके अलावा डायरिया, ये सब जो सिम्टम्स हैं, या स्किन रैश भी जो है कुछ लोगों में हो जाता है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जाती है, ये फूड एलर्जी से। फूड इंटॉलरेंस का जो कॉज है उसमें ये होता है कि हमारी बॉडी जो है कुछ फूड आइटम्स को जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और अगर वो डाइजेस्ट नहीं होते तो वो हमारी बॉडी में एक एलर्जिक रिएक्शन पैदा करते हैं, और इसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हमारी बॉडी में तरह तरह के सिम्टम्स जो हैं दिखाई देते हैं। फूड इंटॉलरेंस और फूड एलर्जी थोड़ा अलग अलग जो है टर्म्स हैं, अलग अलग कंडीशन होती हैं। फूड एलर्जी जो है वो हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसको इफ़ेक्ट करती है, जबकि फूड इंटॉलरेंस से जो है हमारी जो इम्यून सिस्टम है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ज़्यादातर जो फूड एलर्जी होती है वो चाइल्डहुड में ही हो जाती है, लेकिन कुछ फूड एलर्जी जो है वो आगे चल के एडल्टहुड में भी होती है। कुछ खाना हम जो फूड है वो बचपन में हम खाते चले आते हैं और उसका कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हमारी बॉडी पे नहीं होता, लेकिन आगे चलकर किसी भी एज में जो है वही फूड आइटम जो है हमारी बॉडी में जो है सेंसिटिविटी पैदा करता है, एलर्जिक रिएक्शन पैदा करता है। तो इसमें ये नहीं कि आपको कोई भी फूड जो एलर्जी है वो बचपन से होगी, शुरू में अगर नहीं है तो वो बाद में भी आपको एलर्जिक हो सकता है। अब मैं आपको कुछ फूड आइटम्स बताऊँगा और उनकी होम्योपैथिक मेडिसिंस बताऊँगा। अगर आपको इन फूड आइटम्स से जो एलर्जी है, आपको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होता है फूड आइटम लेने से, तो उसको आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उस एलर्जिक रिएक्शन को जो है कंट्रोल करेगी, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको दूध से एलर्जी है या दूध से बने हुए जो आइटम होते हैं उनसे आपकी बॉडी को एलर्जिक रिएक्शन होता है, वो नुकसान देती हैं आपको। और जनरली मिल्क एलर्जी जो है बच्चों को ज़्यादा होती है, अगर इस तरह की कंडीशन है तो आप पल्सेटिला 30 या 200 पोटेंसी में सुबह शाम दो दो बूंदे लें, तो इस तरह की एलर्जी कंडीशन आपकी जो है बिल्कुल क्योर हो जाएगी। बहुत से लोगों में एग अंडे से एलर्जी होती है, अगर आपको भी एग से और अंडे से एलर्जी है, आपकी स्किन पे जो है रैश हो जाते हैं, या आपको डाइजेस्ट नहीं होता अंडा, या आपको कोई और प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, या नाक से आपके कभी कभी किसी को ब्लीडिंग भी हो जाती है अंडा लेने के बाद, तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो सल्फर 30 या 200 पोटेंसी में आप लें सुबह दोपहर शाम दो दो बूंदे, तो ये जो एग एलर्जी है आपकी जो है बिल्कुल क्योर हो जाएगी। अनियन से अगर एलर्जी है आपको, प्याज लेने से आपको परेशानी होती है, आपको एक अलग सी फीलिंग आती है, या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है, तो थूजा 200 पोटेंसी में आप लें सुबह शाम दो दो बूंदे, कुछ दिन तक लेंगे तो अनियन एलर्जी आपकी जो है क्योर हो जाएगी। अगर आपको कैबेज या वेजिटेबल्स, कोई भी सब्ज़ी, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेते हैं और उससे एलर्जी होती है या वो आपको सूट नहीं करता, तो आप ब्रियोनिया 30 या 200 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम दिन में तीन बार लेंगे दो दो बूंदे, तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है इसको बिल्कुल सॉल्व कर देगी। बहुत से लोगों को शुगर से एलर्जी होती है, उनको शुगर जो है सूट नहीं करती, अगर इस तरह की अगर सिम्टम्स हैं तो सैक्रम 30 या 200 पोटेंसी में दो दो बूंदे सुबह दोपहर शाम दिन में तीन बार लें, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। कुछ लोगों को मशरूम से एलर्जी होती है, मशरूम जो है उनको डाइजेस्ट नहीं होते या कुछ और भी उनको कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो इस तरह की अगर आपको मशरूम एलर्जी है तो होम्योपैथिक मेडिसिन एल्सिंथिनम 30 में आप लें दो दो बूंदे सुबह दोपहर शाम दिन में तीन बार लेंगे, तो मशरूम एलर्जी जो है आपकी बिल्कुल क्योर हो जाएगी।
अगर आपको बियर या फिर पिकल्स अचार या फिर कोई भी सार आइटम खट्टा कुछ भी आप लेते हैं वो नुकसान देता है, विनेगर जिसमें एसिटिक एसिड होती है, सिरका जिसको कहते हैं अगर वो भी नुकसान देता है, तो फेरामेट 30 पोटेंसी में दो दो बूंदे सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेंगे तो इस तरह की जो एलर्जी है, फूड एलर्जी है, वो आपकी बिल्कुल क्योर हो जाएगी। बहुत से लोगों में वीट एलर्जी होती है, जो वीट या गेहूँ जिसको हम कहते हैं उससे एलर्जी होती है। अगर इस तरह की कंडीशन है, वीट एलर्जी है, तो सोरिनम 200 या 30 पोटेंसी में आप दो दो बूंदे सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेंगे तो वीट एलर्जी आपकी जो है बिल्कुल क्योर हो जाएगी। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। एलोपैथिक मेडिसिन क्विनिन जो मलेरिया को जो है कंट्रोल करने में देते हैं, अगर उससे आपको एलर्जी है, उसका रिएक्शन आपकी बॉडी में हुआ है, तो चाइना सल्फ होम्योपैथिक मेडिसिन 30 या 200 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम क्योर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ फूड एलर्जी बताएं और उनकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताएं। अगर आपको इनमें से कुछ भी फूड एलर्जी है तो आप ये बताई गई होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम जो है बिल्कुल क्योर हो जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।